नमस्कार, प्रणाम, वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। LLB 3 ईयर्स कोर्स में पहले दो पेपर्स के लिए हमने पिछले वीडियोज में अपनी बात रखी है। पहला पेपर आपका जुरिसप्रूडेंस का, विधि शास्त्र का, और दूसरा पेपर आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, संविदा विधि का। उसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले विषय हैं, बिंदु है, उस पर हम लोगों ने लगातार चर्चा करी है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका तीसरा पेपर है आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स में, पहले साल में, फर्स्ट सेमेस्टर में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का। क्योंकि इसमें कोई ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, बैरक नहीं है, तो थोड़ा सा चीज़ें स्कैटर्ड हैं, छितराई हुई हैं। और अगर आपने H.O. अग्रवाल से, SK कपूर से इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा या जिस भी किताब से आप पढ़ रहे होंगे, तो निसंदेह आप अभी तक कुछ तैयारी कर चुके होंगे। लेकिन यदि अभी तक तैयारी बहुत बढ़िया नहीं हुई है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सहायता करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले सिलेबस पर एक बार निगाह डाल लेते हैं। जो पहली यूनिट आपकी है, इंटरनेशनल लॉ के नेचर और डेफिनेशन को लेकर के है कि इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है, किसने इसको पॉजिटिव मॉरलिटी कहा, किसने इसको लॉ माना, इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या है, UN चार्टर से कैसे ये चीज़ें निकल करके आती हैं। आर्टिकल 38 आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे सोर्स की हम बात करते हैं वहाँ पे। इंटरनेशनल लॉ में और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में और म्यूनिसिपल लॉ में क्या रिलेशन है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोर्सेज क्या है, सोर्सेज की बात हमने करी। सैंक्शंस का मतलब क्या है कि क्या इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस हैं, अगर हैं तो किस प्रकार के हैं, क्या उस पर सैंक्शन पर कोई सहमति है कि हाँ लगते भी हैं सैंक्शन या नहीं। सॉवरेंटी की बात है, उसके भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, क्या रहा है, और कैसे संप्रभुता एक जिम्मेदारी है, कैसे सॉवरेंटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी है। जो दूसरी आपकी यूनिट है उसमें कुछ कंसेप्ट है, जैसे सक्सेशन है, राज्य का जो उत्तराधिकार होता है, कैसे कोई एक राज्य दूसरे राज्य को सक्सीड कर सकता है, क्या उसके कहने पर सक्सीड कर सकता है या अपने आप से सक्सीड कर सकता है, तन मतलब बोले तो बल के दमखम से, बल से कर सकता है कि नहीं। रिकॉग्निशन के डेफिनेशन क्या है, रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, रिकॉग्निशन की डेफिनेशन क्या है, ये सब भी आपके लिए जरूरी चीज़ें हैं। डिफैक्टो डिज्यूरे, इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप, कब कौन एक राज्य है, एक जो राज्य मीन्स यहाँ पर स्टेट से नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब जिसे हम कंट्री समझते हैं, नेशन समझते हैं, उससे है। इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है उसमें जुरिडिक्शन की बात है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, राज्य उत्तरदायित्व की बात है। तीसरी यूनिट में आपके स्टेट टेरिटरी और लॉ ऑफ सी के बारे में है कि जो समुद्र है ऊपर, जो खुला आसमान है, महाद्वीपीय मग्नतट है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जिसको बोलते हैं, कई सारे नॉटिकल माइल्स में होता है कि यहाँ से दूसरे देश की सीमा शुरू होती है, वहाँ एक निश्चित सीमा तक एक देश के पास होता है, जिस देश के ऊपर का आसमान है, खुला आसमान है, उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, क्या उसमें प्लेन उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता, अगर उड़ाना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, इस प्रकार के कई सारे कंसेप्ट हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ, हाई सीज के बारे में है, लैंड लॉक्ड स्टेट्स के बारे में है, पायरेसी के बारे में है। और जो चौथी यूनिट आपकी है वो एक्सट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण की है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की है कि कैसे जो अगर कोई क्राइम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो जाता है, अगर कोई एक देश का अपराधी, कोई एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के अपराध कर देता है, या अगर कोई एक देश का व्यक्ति है जो अपराध करके दूसरे देश में भागा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या चीज़ें होनी है, उसको लेकर के जो आपके टॉपिक्स हैं। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है डिप्लोमेटिक एजेंट वाला, जो कौंसल्स हैं, जो डिप्लोमेटिक एजेंट हैं, उनको क्या इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं, क्या उनके पास विशेष राइट हैं, क्या उनके पास विशेष अधिकार हैं, और क्या उनके पास उन्मुक्तियाँ हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस है वो इस प्रकार से है, चार यूनिट का। हम अगर बात कर लें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आपके पेपर में आने वाले सवालों को लेकर के, तो सबसे पहला जो आपके लिए बहुत जरूरी सवाल है, इंटरनेशनल लॉ का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है, उसकी जो डेफिनेशन रही है। इंटरनेशनल लॉ की जब आप डेफिनेशन पढ़िए तो प्रयास करिए ओपेनहाइम के माध्यम से पढ़िए, मतलब मैं एक नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन किसी के माध्यम से पढ़िए और प्रयास करिए कि उसका दोनों पहलू देखिए कि किसने इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना है, किसने इसको एक सर्टेनिटी नहीं माना है, किसने इसको मिथ माना हुआ है, किसने इसको केवल एक मॉरलिटी मात्र माना हुआ है, नैतिकता मात्र माना हुआ है। चूंकि एक समस्या ये होती है कि इंटरनेशनल लॉ का पालन बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता, आए दिन टूटता है, आए दिन इस पर संघर्ष की स्थिति होती है, तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय विधि को लेकर के एक कहें तो वो एक माहौल है कि ये कानून है कि नहीं, असल कानून है या नहीं, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा एक सवाल जो बनता है कि कैसे इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि से आप क्या समझते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है। ह्यूगो ग्रोसियस को लेकर के एक सवाल आया था,
ह्यूगो ग्रोसियस को लेकर के एक सवाल आया था कि क्यों ह्यूगो ग्रोसियस को इंटरनेशनल लॉ का फादर कहा जाता है, माना जाता है। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लॉ के बारे में ह्यूगो ग्रोसियस हुए, या मैं बोलूंगा कि उन्हीं को अकेले पकड़ के मत रखिए, ओपेनहाइम के बारे में पढ़ करके आइए। जिसने भी इंटरनेशनल लॉ के विषय में कुछ बढ़िया लेख लिखा है, जिसने भी कुछ इंटरनेशनल लॉ के बारे में अच्छा साहित्य लिखा है, उन सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आइए और देखिए कि क्या उनके पास ऐसी वजह थी, क्या क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उनको फादर कहा गया, ह्यूगो ग्रोसियस को फादर कहा गया। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो एक जो ये आपके लिए सॉवरेंटी का टॉपिक है, संप्रभुता का टॉपिक है, संप्रभुता में एक वेस्टफेलियन करके एक ट्रीटी थी, या वेस्टफेलियन करके एक कंसेप्ट है। तो जो सॉवरेंटी का वेस्टफेलियन कंसेप्ट है, जो सॉवरेंटी के विषय में वेस्टफेलियन कंसेप्ट के अंतर्गत कहा गया है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। नीचे आपके फर्स्ट यूनिट में ही नीचे दिया हुआ है। और सॉवरेंटी के जो रिसेंट चैलेंजेज है, जो अभी हाल में एक उसके समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, संप्रभुता के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, दोनों आप पढ़ करके आइए, वो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो मान्यता रिकॉग्निशन को लेकर के सवाल खूब पूछा गया है। रिकॉग्निशन आपके लिए बहुत जरूरी है। रिकॉग्निशन देखिए कि रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, उसको कैसे उसको उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, और रिकॉग्निशन के जो प्रकार है, रिकॉग्निशन के प्रकार से मतलब है कि डिफैक्टो रिकॉग्निशन और डी ज्यूरे रिकॉग्निशन, दोनों का मतलब क्या है और उन दोनों का लीगल इफेक्ट क्या होता है, उसका विदड्रॉल क्या होता है, और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, रेट्रोएक्टिव इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये तीसरा सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। चौथे सवाल पर अगर हम आए तो जो राज्य का जो उत्तराधिकार का सवाल है, स्टेट सक्सेशन को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है कि स्टेट सक्सेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या है, उसके जो वेरियस काइंड्स हैं, प्रकार हैं, वो क्या है, और स्टेट सक्सेशन के कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं। जैसे एक राज्य अगर दूसरे राज्य को सक्सीड कर ले जाता है तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। जो राज्य सक्सीड कर रहा है और जो राज्य सक्सीड हो रहा है, दोनों के राइट ड्यूटीज को लेकर के सवाल खूब पूछा गया है। स्टेट के जो राज्य उत्तराधिकार की जब हम बात करते हैं तो प्रकार और परिणाम के साथ साथ में एक यहां पर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दूसरे स्टेट के ऊपर, उसमें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के विषय में पिछले वर्ष में लेख लिखने को आया था। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि ये लॉन्ग में नहीं आने की उम्मीद है, लेकिन आप ये देखिए कि जो राज्य का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, जब आप राज्य के उत्तरदायित्व को पढ़ते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढेर सारी हैं, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है वो बहुत जरूरी है। एनरिका लेक्सी केस था, ये पिछली बार आया था, तो वहां पर आप प्रयास करिएगा कि जिस समय आप पढ़ रहे हो तो इसको एक बार पढ़ते हुए आइए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए आवश्यक जो सवाल है वो है हस्तक्षेप को लेकर के। हस्तक्षेप मीन्स इंटरवेंशन, क्या है डेफिनेशन इंटरवेंशन की, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, और इंटरवेंशन के ग्राउंड्स क्या है, किन आधारों पर एक स्टेट दूसरे स्टेट के मसले में इंटरवेंशन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवेंशन इन्विटेशन के द्वारा कैसे हो सकता है, इंटरवेंशन को रोक कब दिया जाएगा, रोका कब जाएगा, प्रोहिबिशन कब उस पर किया जाएगा, और जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है, और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है कि मींस की मानवता के आधार पर हस्तक्षेप, यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट वाला जो टॉपिक मैं भी बोल रहा था वो यहाँ पर दिया हुआ है कि R2P बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट बोलते हैं, उसको लेकर के आप तैयार करके आइए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए जो इंटरवेंशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो तीसरी यूनिट है, और तीसरी यूनिट में आपके लिए अगर सवाल कहें तो एक तो इस पर छोटे छोटे कभी कहें तो टिप्पणी करने को आता है। जैसे जैसे सवाल आपको पूछा गया है लॉ ऑफ सी में, एक ये सवाल आया है छोटी टिप्पणी करने के लिए कि वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटीज एंड पैक्टस एंड सर्वेंडा, लेकिन मुझे ये लगता है चौथी यूनिट का टॉपिक है। तीसरी यूनिट में जो आपको छोटे छोटे जो जैसे इसमें दिए हुए हैं कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ और आउटर स्पेस 1967 की जो ट्रीटी है, जो एरियल नेविगेशन, फाइव फ्रीडम्स ऑफ एयर हैं, तो एयर स्पेस को लेकर के और जो लॉ ऑफ सी को लेकर के छोटी छोटी थ्योरीज हैं, उन सारी थ्योरीज को पढ़ करके आइएगा। अक्सर वो ए बी करके पूछी गई हैं, और स्टेट टेरिटरी के जो कंसेप्ट और मोड ऑफ इक्विजिशन है वो एक अलग बड़ा सवाल बनता है कि कैसे राज्य के अर्जन के प्रकार या ढंग कैसे हैं, कितने हैं। और दूसरी चीज क्या है, ये जो लॉ ऑफ सी और जो एयर स्पेस को लेकर के सवाल है वो अक्सर जो भी आए हैं सवाल, मैं इसको ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें जो भी सवाल आए हैं वो हमेशा ए बी करके आए हैं। जैसे हिंदी में कहें तो आकाश क्षेत्र के बारे में विभिन्न सिद्धांत, वह अंतरिक्ष संधि, और यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपके सिलेबस में एरियल नेविगेशन, फाइव फ्रीडम ऑफ एयर, आउटर स्पेस 1967, इन सब चीज़ों को लेकर के कई बार शॉर्ट में छोटे में टिप्पणी पूछी गई है, ए बी करके पूछी गई है जब भी पूछी गई है।
उसके बाद अगर हम चौथी यूनिट देखें तो आपके लिए पहला तो एक्स्ट्रा बहुत जरूरी टॉपिक है कि प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है। प्रत्यर्पण का मतलब कि कैसे एक राष्ट्र में, एक देश में छुपा हुआ व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में अपराधी है तो कैसे उसके बीच में यदि ट्रीटी है तो उसका प्रत्यर्पण होगा, प्रति के अर्पण, उसको वहां सौंपना। प्रत्यर्पण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है और प्रत्यर्पण पद प्रदत्त करने की आवश्यक शर्तें क्या है। क्या कोई पॉलिटिकल अफेंडर है तो उसका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। बहुत पहले सवाल ऐसे पूछा गया था कि क्या एक देश का राष्ट्रपति अगर उस देश के तख्तापलट से घबरा कर डर के दूसरे देश में भाग जाता है तो क्या वो एक्स्ट्राडाइट उसका हो पाएगा, क्या वो एक्स्ट्राडाइट हो पाएगा, क्या उसका एक्स्ट्राडिशन हो पाएगा, प्रत्यर्पण हो पाएगा, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो डिप्लोमेटिक एजेंट है, डिप्लोमेटिक एजेंट का मतलब कि राजनयिक का मतलब आप सुनते होंगे एम्बेसडर से, राजदूत से या काउंसलर से या हाई कमिश्नर से। राष्ट्रमंडल देशों में उनका नाम कुछ अलग हो जाता है, सामान्य देशों में उनका नाम कुछ अलग हो जाता है, वो आप देख लीजिएगा। तो डिप्लोमेटिक एजेंट के का जो अर्थ क्या है, कार्य क्या है, उसके इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस क्या है, सब आप देख करके आइएगा। उसके बाद आपका जो एक अंतिम सवाल बचता है, अंतिम टॉपिक बचता है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के जो डेवलपमेंट में न्यूरनबर्ग ट्रायल का बहुत बड़ा भूमिका रही है, बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। तो सवाल आपसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक विधि के जो मूलभूत सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, उसको लेकर के पूछा गया है और न्यूरनबर्ग ट्रायल को लेकर के भी सवाल पूछा गया है। तो वो वहाँ से उस ट्रायल के माध्यम से उस चीज़ को देख करके आइएगा। पैक्टा सेंट सर्वेंडा है, जस कोजेंस है, इनको लेकर के कभी कभी छोटी टिप्पणी पूछी गई है। ओपन सी है, ओपन सी हिंदी में कहें तो खुला समुद्र है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के सवाल छोटे छोटे, मतलब अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट में जो सवाल पूछे जाते थे पहले, जैसे जब 10 सवाल आते थे शॉर्ट में और 4 लॉन्ग में आते थे उस समय, जैसे आकाश की 5 स्वतंत्रताएं, इंग्लिश में कहें तो जो 5 फ्रीडम ऑफ एयर है और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके बाद पायरेसी को लेकर के कभी कभी शॉर्ट में सवाल आया, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस समय जमाने की बात है जिस समय शॉर्ट में सवाल पूछे जाते थे। अभी अगर जो शॉर्ट में हाल में सवाल पूछे गए हैं तो लॉ ऑफ सी को लेकर के और एयर स्पेस को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपका पूरा 4 यूनिट का एक जो खाका है, जो मुझे लगता है कि जरूरी आपके लिए सवाल है, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की। अगले पेपर को लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। चौथा पेपर आपका फैमिली लॉ का है और चौथे पेपर के सिलेबस को लेकर के, चौथे पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के मैं जल्दी आपके साथ चर्चा कर लूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।